ब्रेक पर ओडिसा प्राइम बुलेटिन को पुनि थरे स्वागत। राफेल विमान किनारे स्वाधीन भारत रो सबुठारो बड दुर्नीति होइतिबा एआईसीसी रो संपादक मस्तान वाइली प्रकाश करिसेंती। ए विमान किनारे प्राय 41,206 कोटि टंका रो दुर्नीति होइतिबा से प्रकाश करिसेंती। यूपीए शासन काल रे 126 कोटि राफेल विमान किनिबा पई विमान प्रति 526 कोटि टंका रे राजीनामा होइतिला, किंतु हठात प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गस्त कर 36 कोटि राफेल विमान पर विमान प्रति 1670 कोटि टंका राजीनामा करिसेंती। तेणु स्वाधीन भारत सबुठारो बड़ दुर्नीति विरुद्ध रे कांग्रेस सारा देश में आंदोलन करिब। एहि प्रक्रिया रे ढेंकानाळ जिला कांग्रेस तरफ़ आसंता 11 तारीख में विक्षोभ करा जिवो बोली आज एक सांबादिक सम्मेलन में वाली प्रकाश करिसेंती। आज का जो प्रेस मीट का मुख्य उद्देश्य है, यूपीए के टाइम में राफेल डील एक एग्रीमेंट हुआ है द स्टॉल कंपनी से, इसमें एक युद्ध विमान प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस डिपार्टमेंट, एयरफोर्स वाले सब मिलके इंटरनेशनल लेवल में एक टेंडर बुलाया गया। इस टेंडर के तहत अकॉर्डिंग द डिफेंस डिपार्टमेंट एयरफोर्स का डिमांड के मुताबिक 126 विमान, एक एक विमान 526 करोड़ में खरीद करने का टेंडर फाइनल हो गया है। प्रेस मीटर उद्देश्य है हमर एक्चुअली राहुल गांधी को आह्वान क्रमे वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट विरुद्ध रे मोदी जो करप्शन कर तार विरुद्ध रे एटा आम आरंभ करापर पर ढेंकानाळ जिलार जो लोकाल समस्या अच्छी सबु जिलार समस्त अंचल किसी लोक आनी एकत्रित कर गोटे पेपर मेमोरांडम देवु राष्ट्रपति उद्देश्य। ढेंकानाळ नरभीरम पावर एंड स्टील लिमिटेडर तीन जन श्रमिक छटेक नहीं उत्तेजना देखा दी। प्लांट्रे श्रमिक उत्तेजना को देखी पुलिस मुतयन होता बेले प्लांट्रे काम बंद रही। तेज गतकाली नरभीरम पावर एंड स्टील लिमिटेडर तीन जन श्रमिक को छटे करवा आज कंपानी परिसर में उत्तेजना देखा दी। उत्त्यक्त श्रमिक मैंने कंपानी में काम बंद करे कंपानी बाहर व्यापक पुलिस मुतयन हो तेज छटे होता कर्मचारी बिना नोटिस अन्याय भाव बाहर करमचारी प्रकाश करते। तेज एमपीजी आसोसीएसन सभापति किंतु एक घटना संपर्क में अवगत नहांती कंपानी में श्रमिक मैंने काम जारी रखा सपक्ष से मत दे कि बाहर लोक कंपानी परिसर में पशि गंडगोल कर। मोटर शुणापर मुझे आसल देखी कंपानी में कहीं झमेला होती आसला देख ला एस एम एस रिच पा 50 पिला पदाक जाऊँ कह पचारे कहे आमको जबरदस्त सोदा सोदी कर पदाक बाहर कर दि जाऊँगी मुझे बुझाबुझी कर प्लांट्रे लगे थी कम कम करूँ तापर तुम कथ बुझा जहाँ मैनेजमेंट सा कथ बुझा बुझा बुझी करम कथ कम करुले कि बाहर लोक एवं किसी एम्प्लय मिसी आसिक जबरदस्त सोदा सोदी कर बाड़ाबाड़ी कर बाहर को बाहर कर बाहर कर दीजिए प्रेजेट अच्छा आगुरी इंटरनल डिस्प्यूट कौन होता आम लेबर अफसर कंट्राक्ट कर बुझाबुझी कौन से प्रबल वर्षा जोगु भद्रक जिला भंडारी पोखरी और धामनगर में बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। भंडारी पोखरी आखुआपदा निकट में बैतरणी नदी में जलस्तर बढ़िबा लागिछि। बैतरणी में विपद संकेत 17.83 थिबा बेले वर्तमान 17.87 रे बन्या जल प्रभावित होइछि। बैतरणी में जलस्तर वृद्धि और विपद संकेत उपरे जलस्तर प्रभावित होइथिबारु भंडारी पोखरी ब्लॉकर नदीकूलिया 6टी पंचायतर 30,000 रु ऊर्ध्व लोकमानक मनरे छनका पसिछि। तीन दिन तले बैतरणी प्रथम बन्यारे लोक माने जलबंदी थिबा पुणी बैतरणी बन्या आसिबा फळरे लोके एबे आतंकित अवस्था रहिछन्ति। तेबे भंडारी पोखरी मणिनाथपुर गाँव में लगाण वर्षा गुहाळ भुसुड़ी पड़ी एथिरे गोटे गोरु मृत होइथिबा बेले तीनोटी गोरु आहत होइछन्ति। सेबेरि वर्षा पानी रे भंडार पोखरी और धामनगर ब्लॉकर चाष जमी गुडिक जलमग्न रहिछि। सेहीपरि सप्तधारा नदीर प्रखरता एवं शोचनीय रास्तार करुण दुर्दशा जो जनक जीवन जाइछि एथिरे जर्जरित हो झाड़ाबंथी प्राण हरायछन्ति वृद्ध मौलिक समस्या वंचित हो शेषे जीवन चली जाइथिबा घटना बुधवार मालकानगिरी जिला खैरपुट ब्लॉक तथा माथेली थाना अंतर्गत गोविंदपाली पंचायत अधीन गजियागुड़ा ग्राम से देखा मिली। ग्रामर वृद्ध नंद सीसा
ଗତ ତିନି ଦିନ ହେବ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗାଁରୁ ନଦୀ ଡେଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯିବାର ଲାଗି ତାଙ୍କ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତଥାପି ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଗୋବିନ୍ଦପଲ୍ଲୀ ସଦରରେ ଆସିବାକୁ ସପ୍ତଧାରା ନଦୀ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ନଦୀ ଘାଟ ଯାଇ ଝାଡ଼ାବାତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସିଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ସାହାରା ଥିବା ଡଙ୍ଗାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଯିବାକୁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏପଟେ ଶୋଚନୀୟ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସପ୍ତଧାରା ନଦୀର ପ୍ରଖରତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା। କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ସିସାଙ୍କୁ ବୋହି ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମୃତ ସିସାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ବଡ଼ିଟା ଆମର ଲୋକାଲ୍ ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭେହିକଲ୍ କଲ୍ରେ ତାକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ତ ଏପଟେ ଲେବର୍ ରୁମ୍ରେ ବିଜି ଥିଲି। କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ କିଛି ଜାଣି ହେଉନି, ମାଆଙ୍କଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାଇନର୍ ଇଞ୍ଜୁରି, ତେଣୁ ସେଇଟା କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ନ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ, ଯେହେତୁ ଲୋକଟା ଏଜେଡ଼୍ ଆବାଉଟ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ ଏଜେଡ଼୍, ବୁଢ଼ା ନୁହଁ, ତେଣୁ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ଟା ଆଉ କ'ଣ ଏନିଥିଙ୍ଗ୍ ଏଲ୍ସ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଇଞ୍ଜୁରି ନୁହଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଲୋକାଲ୍ ପୋଲିସ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରିଦେଇଛୁ, ସିଏ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ଲଘୁଚାପ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରୁ 78 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଅବପାତ। ତେବେ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଭାରି ବର୍ଷା ହେବ। 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ସର୍ବାଧିକ 412 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 192.8, କଟକରେ 105.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 97 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ସର୍ବାଧିକ 412 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.lionsodisha.com। ନମସ୍କାର।